अबे निकालो, तुम लोग टकराने वाले हो, ये टक्कर हो गई। बाहर आ गया नगोड़ा, ये नगोड़ा बाहर आ गया। अबे तेरी काट रही है बे, काट रही है। अच्छा बत्तखे भी जो है बहुत चालाक है, जो खाना दे रहा है वो उसके पास जा रही है। वो देख उधर जाके अब उस जगह पे खड़ी हो गई सारी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में इस टाइम में पकौड़े और अनस भाई साथ है। आज मैं आया हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं जब छोटा था आया करता था, तो मैं आज आया हूँ बचपन वाली जगह पे जो कि गार्डन जू। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। फैमिलीज तो वैसे ही आ रही है और थोड़ा सफाई का निज़ाम और बेहतर हुआ है, पर कुछ चीज़ें इधर थोड़ी बहुत तोड़ दी गई है। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तकरीबन 5-6 साल बाद। अभी बन भी रहा है, साथ में काम भी चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है पूरे गार्डन जू का टूर किया जा रहा है और आज मैं आपको अपने कराची का, अपने सिटी का गार्डन जू दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है बत्तखें। अच्छा बत्तखे भी जो है बहुत चालाक है, जो खाना दे रहा है वो उसके पास जा रही है। वो देख उधर जाके अब उस जगह पे खड़ी हो गई सारी, बहुत तेज है। देता हूँ ये ले, आइए देखिए, ये काटती भी है, पता है ये काटती भी होंगी, बहुत तेज काटती होंगी। ये देखिए पॉपकॉर्न नीचे गिरा, ये ले। अबे तेरी काट रही है बे, काट रही है। ये देख अभी उधर चली गई। तो गार्डन जू में आते ही कुछ नया मिला है, पहले नहीं था। किश्ती की टिकट ली है, गहरे पानी के, गहरे पानी के, इतनी गहरे पानी के बंदा डूब जाए। A few moments later. दोस्तों इस टाइम हम भीड़ गए हैं। अबे निकालो, तुम लोग टकराने वाले हो, ये टक्कर हो गई। हमारी कश्ती है, चप्पल है, साथ में पैंडल है। हमको ड्राइविंग आती है, देखो हमको ड्राइविंग आती है। ये हमारा गियर है, गियर ये जा रहे हैं लोग। पानी बहुत गहरा है, कहीं मगरमच्छ ना आ जाए बाहर। ये जा रहे हैं हम, टर्निंग हो रही है। अभी बोर्ड में बैठे हैं, थक गए थोड़ा। यार आराम करो, हम भी इंसान है, आराम आराम से जाएंगे। इधर बैठ के बंदा अंग्रेजों की तरह चाय बिस्किट कॉफी वगैरह। हाँ इतना गंदे पानी में। A few inches later. इतना साफ पानी है, देखे कितना प्यारा पानी है। उधर से यूँ चलकर आए हम लोग, कुछ जगह से चल के यूँ आया, सांसें फूल गई हैं। बंदे और भी खड़े हुए। तो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, ये हमारा गार्डन जू है और उसके बीच में छोटा सा लेक बनाया हुआ है जिसमें पानी छोड़ा हुआ है। और अच्छा है, बंदा यहाँ पर थोड़ी इंजॉयमेंट कर सकता है। तो आप एक काम करो, पहले आप मारो पाँव, थक जाओ फिर बताओ मुझे। मैं ये जो जगह है ना, ये इसका ये हैंडल लगा हुआ है, पीछे पे ये लेफ्ट हो रहा है, आगे पे राइट हो रहा है, सेंटर में रखोगे सीधा जा रहा है। तो छोटा सा लेक बनाया हुआ है। ये आई, ये चली गई। एक्सीडेंट, ये हमारी बोट जो है अभी किराने पे आ रही है। कर
रस्सी गलत दी ना, चल मैं वापस ला रहा हूँ, अबे यूं ही टर्न कर रहा हूँ। अरे नहीं, वो कोना है ना, वो कोना, उसको लेके जाना था। ओ वहाँ पे बैठा वाला रस्सी नहीं लाई, टन हो गई ना, खलास अभी यूं जा रहे हैं। हम यहीं से जा रहे हैं भाई, वोट कौन लाके देगा, हम यहाँ से जा रहे हैं, पकड़ ले। चल पैंडल कर, अबे ऐसे रिवर्स चाहिए, रिवर्स। हाँ ओके ओके, हम रिवर्स आ रहे हैं, वो सीधा है, सबर कर ले। अबे पीछे जाके टन मारेंगे ना, उधर कर उधर कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अबे इसको ऐसे मत कर, वो राइट जा रही है, यूं कर दिए, यूं कर भाई, बंदे को गुस्सा आ रहा है। मार मेरे को, फंस जाओ, मारू तेरे, वो तेरे पास ही नहीं आने जा रही है, हम यहाँ से उतर के जा रहे। अबे तो मेरे भाई चला रहे हैं ना, चला रहे हैं ना, देख ना, वहीं जा रही है। इसको इधर कर चल, अबे उल्टा क्यों लेके जा रहा है, यू कर। हाँ ये देख, सही चला रहे हम लोग। नहीं नहीं, पक गया, अकेला छोड़ दिया। देख यार मैं सही चला रहा हूँ, छोड़ गया। पकड़ पकड़ दी, तो फिर बाजी आई, उल्टा रिवर्स मार। फाइनली बाहर आ गए। तो दोस्तों, जैसे कि उसको गुस्सा थोड़ा बहुत दिलाया भाई, हम पक्के ड्राइवर नहीं है, कोशिश करी चलाई, फाइनली बोर्ड अपनी जगह पर आ गई। तो अभी जो है शाम का टाइम हो गया, मोस्टली यहाँ पर जितने जानवर हैं अभी अपने अपने पिंजरे में जाके सो के आराम कर रहे होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं देखने, सांप देखने, सांप सांप होंगे, टिकट है इसका भी ना, इसने वाली जगह पर आया है, बाहर आ गया है नगोड़ा, ये नगोड़ा बाहर आ गया। ये हमारे वो सांप हैं कि जिसकी स्किन उतरी हुई है यार, ये जिंदा है कि नहीं है, जिंदा है। सांप है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मरे हुए हैं ये सांप, मरे हुए भाई, नहीं मरे हुए हैं ये सांप है ना, ये सांप यकीन मानेगा, ऐसा सांप मैंने दुबई में देखा है और वो जिंदा था। ठीक है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे ये जिंदा सांप नहीं लग रहा है। अरे सांप जिंदा है पर स्किन क्यों खराब हो रही है इसकी, ये सांप है बट कुछ हद तक डैमेज हुआ है। वो उधर कोने में बैठा हुआ है, नहीं कुछ हद तक मुझे क्या लगा कि मरे हुए या कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा। हाँ हाँ जिंदा है, जिंदा है भाई, सांप जिंदा है, नहीं तो मुझे लगा सारे मरे हुए, बेचारों की हालत बहुत खराब हुई है, ये सबकी स्किन उतरी हुई है अभी, ये जो स्किन उतरी है ना इनकी, ये स्किन उतार के छोड़ के जाते हैं, पर अभी इधर इस जगह पे छोड़ के नहीं जा सकते, इनका काम बनता है कि इसकी स्किन जो है उतारे, ये किसी चीज़ कुछ उसके साथ लग के ना अपनी स्किन उतारते हैं, पर इधर उतारने के इनके पास जगह नहीं है।
जो सामने परिंदे वो परिंदे हैं, यहाँ पे क्रोकोडाइल जो है इस टाइम सो रहे हैं, ये हमारे नहीं अभी जिंदा है यार, अभी टाइम है उनके पास। ये देखो ये क्रोकोडाइल है भाई, ये सो रहे हैं, मज़े फरमा रहे हैं। हम लोग थोड़ा इवनिंग टाइम में आए, ये लोग सो रहे हैं। ये सामने इस पर ग्रिल लगी हुई है, ये ग्रिल है, नहीं नहीं वो उड़ जाएगा, अभी सो रहा है फिर जाग जाएगा। अच्छा गार्डन में मोस्टली क्या होता है, लोग अपने साथ खाना बना के और यहाँ ला के उसको खाते हैं, ठीक है, मतलब एक पिकनिक भी हो जाती है, आउटिंग भी हो जाती है। तो ये जो ज़ू है वो गार्डन के एरिया में, तो मोस्टली लोग इसको गार्डन भी बोलते हैं, कुछ हद तक लोग इसको ज़ू बोलते हैं। ये वहाँ पे कुछ झूले लगे हुए हैं बच्चों के, झूले हर जगह लगा दिए पहले। हाँ ये जितने झूले लगे हुए हैं, मतलब एक तरीके से बच्चों के लिए प्ले स्टेशन इतना नहीं था, काफ़ी हद तक ये पार्क था। ये जैसे कि ये पार्क है माशाल्लाह, ये भी पार्क था, कुछ साफ़ सफाई चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ ट्रेन उस टाइम भी थी, अभी भी है। गार्डन में जैसे कि ज़ू के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पे फास्ट फूड पहले से ज़्यादा खुल चुके हैं, ठीक है, आइसक्रीम भी है। खैर मेरा तो अभी गला ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, मैं भी कुछ आइसक्रीम नहीं खा रहा, पर ये पीछे मेरे देखते तो फास्ट फूड है। और अभी जैसे कि शाम का टाइम हो गया, तो हो सकता है हाथी वहाँ पर मौजूद हो या बंद करके रखा हुआ हो। बंद होगा हाँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। पहले जब मैं पहले आया था ना, उसने टाइम पहले इधर एलिफेंट के दो बच्चे आए थे हाथी के, दोनों अंदर थे। अभी माशाल्लाह से बड़े हो गए होंगे। इस एरिया में पहले फास्ट फूड नहीं था, ये आप देख सकते हो ऊपर स्टेयर्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई, ऊपर जाते थे हम लोग, नीचे उतरते थे। अभी ये पूरा फास्ट फूड बना दिया इसको यार। अच्छा एलिफेंट यहाँ पर है, हाथी इधर है, मैं देखता हूँ कि है कि नहीं है। जैसे कि हाथी की जगह ओपन है, वो इस टाइम खुली हुई है, पर मसला ये है कि लाइट नहीं है, तो मैं भी अंधेरे में नज़र आ रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की सबर। मैंने इस टाइम फ्लैश लाइट ऑन करी है, जो कि सही बात नहीं है, इनकी आंखों पे पड़ रही होगी। पर ये हमारा एक एलिफेंट है जो कि माशाल्लाह बड़ा है, दो एलिफेंट है यहाँ पे असल में। हाँ ये इस टाइम गन्ना खा रहा है हमारा भाई। ये अबे जो दो बच्चे आए थे ना उस टाइम पे, ये उस टाइम के भी बड़े हो गए, तो आंखों पे फ्लैश लाइट नहीं मारता मैं, दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाइट का निज़ाम थोड़ा ख़राब है यहाँ पर। एक ये रहा, अच्छा इसकी जो ग्रिल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हाथी जानवर ऐसा इसको भी तोड़ सकता है। आंखों में लग रही है उसकी। ये जैसे कि हाथी हैं, दो हाथी हैं, अभी इंतज़ामिया ये काम कर रही है कि शाम के टाइम पे इधर अंदर छोड़ रही है, और लोग अपने फ्लैश लाइट के साथ इसकी वीडियो बना रहे हैं, जो कि मैं भी कर रहा हूँ, एक तरीके से गलत है, ठीक है। शाम का टाइम है, अगर यहाँ पर इन लोगों के पास लाइट नहीं है, देखें उधर एक बंदे ने लाइट पकड़ी हुई है, और काफ़ी हार्ड लाइट है, मैं तो फिर भी दूर से पकड़ा हूँ ताकि उसकी आंखों पे ना लगे, तो जानवर को इसमें तो तकलीफ़ हो रही होगी। तो ये जो चीज़ है इंतज़ामिया की तरफ से गलत है, और इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो इंतज़ामिया को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए, शाम का टाइम है, जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। और मैं जैसे कि यहाँ पर आया, कुछ झूले थे यहाँ पर, अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ से एंड हो गया, बाहर निकल जाओ। गार्डन का ये हिस्सा है, ठीक है, ऊपर ऐसे छतरियाँ लगाई हुई है, और ये हाथी जो है उस तरफ से हम इधर आते थे, और इधर जो थे झूले थे, मतलब राइड्स थी अच्छी अच्छी खासी, मुझे अभी वो नज़र नहीं आ रही, मतलब अच्छे खासे झूले थे। तो दोस्तों ये गार्डन का टूर था, साथ में बुढ़िया वाले बाल हैं जिसको हम बचपन में बुढ़िया वाले बाल कहा करते थे, ये यहाँ से लेके खाया है, काफ़ी अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आज का अंधेरा हो रहा है, तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और आने वाले और व्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आने वाले अगले व्लॉग में, बाय।